सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। YouTube के ज़रिए से जो भी क्रिकेट के रसिक इस मैच को देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैच शुरू हो चुका है। कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति और स्प्रूहा वॉरियर्स इन दोनों टीमों के बीच ये मैच जारी है। टॉस जीता था लेट नितिन नाइक स्मृति टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं प्रमोद और महेश। महेश उरणकर और प्रमोद ये दो बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए और इसी के साथ पहला ओवर अविनाश पाटिल ने डाला था 30 गज के दायरे में 10 रन उन्होंने खर्च किए हैं। प्रमोद ने 6 गेंदों में 10 रन बनाए हैं जिसमें 2 चौके शामिल थे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। दूसरा ओवर लेके आए हैं तेजस अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और यह सफल रही। बहुत ही अच्छी कोशिश थी। ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज महेश उरणकर का मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है तेजस ने। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज अविनाश पाटिल ने। जी हां फिर से एक बार फुलर लेन जोरदार अपील कॉट बिहाइंड द विकेट का मगर अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है। अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है तेजस ने। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश तो की है मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी श्रेया स्पोर्ट्स लेट नितिन नाइक स्मृति इस टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहाँ इसमें तबा डील यादव के साथ उस गेंद को स्क्वायर लेग की जानी ढकेला है। स्क्वायर लेग में जब तक वहाँ के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की थी प्रमोद ने 2 चौकों के साथ मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन जुटा लिए थे मगर महेश ने 4 गेंदों में मात्र 1 रन यहां पे बना लिया है। जी हां फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला है मिड ऑन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। देखते देखते गेंद सीमा रेखा पार मिलेंगे रन यहां पे पूरे 4। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ये तीसरा चौका प्रमोद के बल्ले से। प्रमोद बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं। अच्छे माइंडसेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है और ये माइंडसेट होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि 30 गज का दायरा है उसका फ़ायदा उठाना है। ये सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने देखा कि किस तरह से वीरेंद्र सहवाग एडम गिलक्रिस्ट खेला करते थे। जी हाँ फिर से एक बार देखिए 2 खिलाड़ियों के बीच में ये शानदार ड्राइव
गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर इस मरतबा चार रन के लिए। ये चौथा चौका प्रमोद के बल्ले से, खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है। प्रमोद ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। उन्नीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 10 रन और इस ओवर में 9 रन। तीसरे ओवर के लिए फिर से एक बार अविनाश को बॉलिंग मार्ग पर आमंत्रित किया है। जी हाँ, ऑफस्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, उस गेंद का पीछा करते हुए उसे कट करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज महेश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। बिंदी गेंद। 20 ओवर का यह मुकाबला होगा, 6 ओवर का पावर प्ले। जी हाँ, इसमें दबा पटकी भी गेंद, मगर उसे मात्र दिशा भर दी है डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, और इसी वजह से महेश को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और फ्रंट फुट पर ही आकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला था। गेंद बीचों बीच टकराई थी ज़रूर, मगर गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हुए और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया है हवा के रास्ते से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार आता हुआ ये चौका प्रमोद के बल्ले से, ये पांचवा चौका। प्रमोद पहुंचे 22 पर, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, नो लॉस। तीसरा ओवर प्रगति पर, हर ओवर में इसी तरह से अगर रन आएंगे तो ये पावर प्ले का सही इस्तेमाल होगा। पावर प्ले में इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, 30 गज के दायरे को तोड़ने का प्रयास होना चाहिए। और प्रमोद के नज़रिए से यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाना है। देखिए फिर से एक बार प्रमोद ने बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट किया है और गेंद गई है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। प्रमोद बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे हैं, उनका उनकी सोच, उनका विचार, उनका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर लूज गेंद है तो उसके ऊपर प्रहार करना है। जैसे मैंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग और उसी के साथ एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे शुरुआती ओवर में, 6 चौके अब तक लगा चुके हैं। ये लीजिए फिर से एक बार थोड़ी सी हाफ रखकर गेंद और उसे उड़ाया है गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। सीमा रेखा के बाहर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर जाकर गिरी है, 6 रन मिलेंगे। प्रमोद के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से उस गेंद को पुल किया था, पुल यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं इस छक्के के सहायता से। मात्र 11 गेंदों का सामना किया है अब तक प्रमोद ने और 32 पर पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 34 नो लॉस। अभी भी तीसरे ओवर की एक गेंद आना बाकी है। उसके अपोजिट महेश उरणकर, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है और मात्र 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं लेट नितिन स्मृति पुरस्कृत JMM पनवेल प्रीमियर लीग।
और इस प्रतियोगिता का ये चौथा दिन और प्रमोद के बल्ले से फिर से एक बार अंतिम गेंद के ऊपर प्रहार, यहाँ पे भी मिलेंगे पूरे के पूरे रन चार। 38 रन स्कोर कार्ड पर ये शानदार चौका प्रमोद के बल्ले से, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, 38। हर ओवर में 12.67 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, इसी औसत से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 253 रन। मगर प्रोजेक्टेड स्कोर एक तरह से उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले का खेल यहाँ से ख़त्म होगा बाउंड्रीज का आना कम होगा। चौथे ओवर के लिए फिर से एक बार अविनाश के हाथों में गेंद सौंपी है तेजस, और अविनाश इन दो गेंदबाजों ने पहले तीन ओवर में गेंदबाजी की, मगर अविनाश ने 29 रन खर्च किए, तेजस ने 9 रन खर्च किए। तेजस की अगली गेंद राइट आर्म, ओहो तेज तर्रार गेंद, टप्पा खाने के बाद इस मरतबा थोड़ी सी नीची रही, क्रिकेट की परिभाषा में जिसे सब मरीन डिलीवरी भी कहा जाता है। बिंदी गेंद स्ट्राइक एंड पर महेश उरणकर, जो कि दो रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला और दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। महेश उरणकर को ये रोल अपना अदा करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक प्रमोद को देना होगा, क्योंकि प्रमोद जिस रंग में और जिस मूड में नज़र आ रहे हैं ना, जिस टच में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन गेंद और बल्ले का हमें दिखाई दे रहा है। आहा, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को कट करने के प्रयास में चूक गए थे। 39 फॉर लॉस ऑफ 0 विकेट। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर थी मगर फील्डर से बहुत दूर। पहली मरतबा प्रमोद थोड़े से अपने आप से नाखुश नजर आए। प्रमोद के बल्ले से अब तक 7 चौके और एक छक्का निकल चुका है। 36 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रमोद। गेंदबाज तेजस फिर से एक बार निकाल दिया है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद, काउ कॉर्नर की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत ये चौका, थोड़ी सी गेंद आगे की तरफ थी, बहुत ही शानदार पोजीशन में आए और उस गेंद को ऑन ड्राइव में तब्दील किया और 4 रन यहां पे बटोरे हैं। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 43 रन। प्रमोद पहुंचे हैं 40 पर मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद जरूर है मगर 30 गज के दायरे का फायदा मिलेगा प्रमोद को। शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर जरूर थे मगर डीप मिड विकेट के ऊपर से निकाल दिया है। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। प्रमोद के बल्ले से आता हुआ यह 9वां चौका, 16 गेंदों का सामना किया है, 16 गेंदों में 9 रन लगा चुके हैं, 9 चौके लगा चुके हैं और 44 रन बोर्ड पर व्यक्तिगत रूप से प्रमोद के। अपने आधे शतक से मात्र 6 रन दूर है।
चार ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 11.75 के औसत से यहां पर रन बन रहे हैं। लेट नितिन नाइक स्मृति, इस टीम ने टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, उनके कैप्टन का फैसला यहां पे सही साबित होता हुआ, इनफैक्ट ये दो बल्लेबाज सही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली प्रमोद की बात करें तो प्रमोद ने तो टाई बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती हुई। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा चुकी है। थोड़ी देर के लिए खेल को यहाँ पर रोका गया है, हम भी थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आते हैं फिर से एक बार आपकी सेवा में। धन्यवाद। या मगर उसे सीधे बल्ले से खेला है, अंपायर जी का कुछ इशारा भी आ चुका है, देखते हैं क्या इशारा भी आ चुका है, देखते हैं क्या फैसला होता है। नो बॉल करार दिया है और फ्री हिट, नो बॉल और फ्री हिट, यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम, बल्लेबाजों के लिए ये सोने पे सुहागा। 56 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया है, बहुत ही खूबसूरत टाइम किया है इस मरतबा, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन के लिए। प्रमोद के बल्ले से ये पहला छक्का, प्रमोद पहुंचे 53 पर, आधा शतक कंप्लीट किया है प्रमोद ने अपना। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रमोद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। मात्र 20 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों पर खेल रहे हैं प्रमोद, 2 छक्के और 9 चौके उसमें शामिल, 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। छठा ओवर यहाँ पे जारी है, तेजस के रूप में सही मायनों में आज प्रमोद ने मानो दिखा दिया है कि इस विकेट के ऊपर किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है या करनी चाहिए। उत्तम उदाहरण पेश किया है, शानदार एग्जाम्पल सेट किया है।